हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप हेलो। लोग। और आज का व्लॉग हमारा कुछ खास व्लॉग है, जिसमें हम लोग केवल आपको बताने वाले हैं कि आज कौन सा दिन है और हम लोग के लिए कितना खास है। तो आपको बताते हैं, आज हम लोगों का अपने बैंक में, मतलब बैंकिंग में पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया है। आज के दिन हम लोगों ने साथ में ज्वाइन किया था, बस जगह अलग अलग थी। मैंने बांदा में ज्वाइन किया था और उन्होंने सीतापुर में। और आगे कब कैसे क्या हुआ था वो सब ये बताएंगे। हुआ था जब ज्वाइनिंग हुई थी, तब सबसे पहले तो मुझे मिल गया था सीतापुर और इनको मिल गया था बांदा। और उस टाइम मेरा चला था नवाद का व्रत, और उसके बाद मैं वहां से भागते भागते उस दिन शाम को 10 बजे 10:30 बजे लेटर मिला था, ज्वाइनिंग लेटर। और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ ज्वाइन करना था, तो बांदा से सीतापुर आने में इतना वो लग गया था टाइम कि मतलब बस से आना, फिर कुछ अननोन चीजें थी, व्रत था मेरा नवरात्र का, और आराम से बस चलते चलते यहाँ ज्वाइन कर लिया था। और आज सीतापुर में ही मुझे 5 साल हो गए हैं, पूरे पूरे 5 साल। नहीं, 5 साल में एक दिन कम, ज्वाइनिंग 30 को मिली थी, लेकिन ज्वाइन 31 को किया था शायद ना, नहीं नहीं तीस नहीं को ज्वाइन कर लिया था। तीस को हाँ, ज्वाइन किया था 30 को अपन। ज्वाइन किया था, लेकिन आरओ में ही रहे। फिर शाम तक लेटर मिला, फिर 31 तारीख को हम लोग बैंक गए, और फिर 1 पहली को क्लोजिंग। अब चलते हैं इनके सफर पे। इनका जो बैंक का सफर रहा, स्टार्ट हुआ आरओ से, स्टार्ट हुआ था ना मेरा स्टार्ट हुआ था आरओ बांदा से। वहां पे एक आईटी महीना, डिपार्टमेंट। हाँ, आईटी डिपार्टमेंट में 1 महीने रहे। फिर उसके बाद एक वहां पे एक ब्रांच है बड़ोकर खुर्द, उसमें मुझे ज्वाइनिंग मिली, एज अ टेम्पररी ज्वाइनिंग मिली 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद वापस से आरओ एफआई डिपार्टमेंट में, फिर वहां पे 1 महीना रहे। उसके बाद फाइनली मुझे मिली पधरी ब्रांच, जहाँ पे हम तब तक रहे जब तक हम सीतापुर नहीं आ गए। लगभग 2 ढाई साल वहां पे रहे। उसके बाद फिर अगस्त 19 में सीतापुर आ गए, क्योंकि हम लोग की शादी होने वाली थी। और डेट बताओ कब आई थी? और सोलह हम पता अगस्त आपको सोलह अगस्त इनका बर्थडे और हम होता पता है। अपनी बर्थडे वाले दिन यहाँ सीतापुर में ज्वाइन किए थे, 16 अगस्त 2019 को। फिर यहाँ पे आए, फिर उस ब्रांच में भी तो पूरा 2 सवा 2 साल रहे। फिर अब जो है 1 6 जनवरी को, अभी अब मेरा दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, तब तो वहां पर हैं जो कि इनके रास्ते में है, तो हम अभी तक सेकेंड लाइन में ही हैं। और बाकी ये जो हमारे मैनेजर ये साहब हैं, हैं वो अपनी असिस्टेंट बातें मैनेजर। बताएंगे। हम लोग की वैसे जो पोस्ट है वो सेम ही है, बस मैं चार्ज पे हूँ और ये चार्ज पे नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी लोगों को लगता है कि असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनका प्रमोशन हो गया तो मैनेजर बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोशन वमोशन कुछ नहीं हुआ है, बस बस मैं चार्ज पे हूँ एज ए ब्रांच हेड, और ये सेकेंड लाइन मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जब हम लोग आए थे तो बांदा से 6 लोग हम लोग यहाँ थे, तीन जिन मतलब 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। और उसमें से हम मुझे जब शाम को लेटर मिला था तो उसमें मिश्रिक ब्रांच दी गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांच थी। तो हम लोग 4 महीने मैं मिश्रिक में रहा, बहुत ही अच्छे ब्रांच मैनेजर सर थे। और उसके बाद 4 महीने बाद फिर ट्रांसफर हो गया मेरा मुद्रासन ब्रांच, और उसमें मैंने अपना पूरा मतलब पूरा अपना 2 साल जो भी पीओ एज ए पीओ था वो मैंने मुद्रासन में बिताया। उसके बाद बस मेरा भी तो क्या कहते हैं प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तभी मुझे ब्रांच दे दी गई थी महादेव अटरा, जो कि मैं अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ हूँ। मेरे 3 साल हो चुके हैं पूरे और वो ज्वाइन किया था एज ए मैनेजर ना, एज ए ब्रांच मैनेजर। हाँ, वहां के तब भी मैनेजर साहब हैं। अब वहां के हम मैनेजर और साहब सबसे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि हम लोगों ने 2017 में ज्वाइन किया था अलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में, जो कि अब ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में मर्ज हो चुकी है और उसका नाम हो गया आर्यावर्त बैंक। तो अब हम लोग आर्यावर्त बैंक के एम्प्लॉय हैं। तो ये अलाहाबाद यूपी से आर्यावर्त बैंक का सफर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आई। बेहतरीन मम्मी था। 5 साल निकल के पता ही नहीं चला। हाँ, सही में लगता है कि 5 साल अभी ज्वाइन किया था और 5 साल निकल गए ऐसे ही हमारे, कोई दस पूछता साल है पंद्रह कि कब साल की जाएंगे बीस तो साल लगता है अभी की तो है। जबकि ऐसे तो और नहीं, जब 5 साल पुराने हो और गए भी सोचते हैं। हैं, तब हम लोग सबसे जूनियर थे और हमारे कितने जूनियर नीचे आ चुके हैं हम लोग के, क्योंकि जो सीनियर जो स्टाफ हमारे थे सब मैक्सिमम सब रिटायर हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अगले साल तक रिटायर हो जाएंगे सब। अब हम लोग सीनियर हो गए सब, अब हम लोग के आगे चार चार बैच आ चुके हैं नए, तो बहुत सारे जो हमसे जूनियर थे वो भी ब्रांच मैनेजर बन चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब लगता है कि कितने सीनियर हो गए हम लोग 5 साल में। तो हम लोग ने एग्जाम दिया था 2016-17 में
जो आरआरबी पीओ वाला एग्जाम था वो, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, सारा एग्जाम दिया था, सब में सिलेक्शन हुआ था, सब में हुआ था, पीएनबी, केनरा बैंक, सब में हुआ था, केनरा बैंक पीओ, पीएनबी क्लर्क और बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, सब में। पर हम लोग को आना इस वाले बैंक में था, यहाँ पे पहले ज्वाइनिंग हो गई थी हम लोग की 31 मार्च के पहले, 30 मार्च को ही, और वहाँ पे 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है, तो हम लोग ने यहाँ पे पहले ज्वाइनिंग कर लिया था, और फिर हम लोग का साथ में जॉब लग गया था, इसलिए हम लोग ने फिर सोचा भी नहीं कि हाँ हम लोग नेशनलाइज बैंक में चले जाते हैं, कहीं आ जाने के नहीं सोचे, क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया सब जगह घुमाते हैं, अलग अलग बैंक था, इनका अलग बैंक था, मेरा अलग बैंक था, तो फिर अलग अलग हो जाते, क्या फायदा था। फिर आज हम लोग आपके लिए ब्लॉग भी नहीं बना पाते, ब्लॉग भी नहीं बना पाते, वो भी अगर बनाते भी तो अलग अलग बनाना पड़ता, तो इसलिए हम लोग ने ये वाला बैंक चूज किया। फिर हम लोग का 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें हम लोग सिलेक्शन हो गया था, वो भी सेम बैंक में, और सच में वो रिजल्ट देख के मैंने नहीं देखा था, खैर रिजल्ट आया था तो इन्होंने देखा था, और इन्होंने मेरी मम्मी पापा को फोन किया था, बताया था कि इस वाले बैंक में जॉब लग गई है, और इनकी भी सेम लग गई थी। फिर जो मजा आया ना, मतलब वो बेरोजगारी का टैग जो हटा था, तो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी हमारे बैंक में, छोटी सी नहीं थी, बहुत बड़ी लगती है हम लोग को छोटी सी, तो फिलहाल बहुत ही मजा आती है, पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, बस हम लोग को सुबह 9 बजे तक का टाइम, और शाम को 6-7 बजे के बाद जो टाइम मिलता है साथ में बैंक के अलावा वही टाइम मिलता है, और मतलब काम के लिए इतना ज्यादा रहता है कि दिन में हम लोग कभी भी, मतलब जब शादी नहीं हुई उसके पहले भी कभी फोन पे बात नहीं करते थे, और अभी भी नहीं करते हैं फोन पे बैंक में जाते तो बैंक के ही हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ, मतलब खाना वाना कुछ भी, कभी कभी पूरा पूरा दिन निकल जाता है, मिस कॉल मैसेज तक नहीं जाता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो और कुछ लोग कहते हैं कि बैंक की जॉब अच्छी नहीं होती है, पर हम लोग ने बहुत इंजॉय किया 5 साल, मतलब खैर बैंक हमारे अन्नदाता है तो हम लोग बहुत मजे से रहते हैं, तो क्योंकि जॉब जॉब जो है ना, कोई भी जॉब हो, मतलब खुद को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो जॉब कोई भी अच्छी लगती है, तो हम लोग ने बहुत इंजॉय किया है। तो आई होप जो भी आरआरबीपीओ ज्वाइन किए होंगे उनको सबको अच्छी लगती होगी, और जो ज्वाइन करने वाले करने होंगे वाले हैं उनको भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, काम से अच्छा लगेगा, और जब अकाउंट में सैलरी आती है ना लास्ट दिन तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप लोग हमारी और जर्नी जानना चाहते हैं कि हम लोग साथ में कैसे हैं, कैसे बैंक में साथ में ज्वाइनिंग और ये वो दुनिया भर की चीजें, तो हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय।